नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर, जहां दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं 1 रुपये के रिपब्लिक कॉइन के बारे में। हम बात करने वाले हैं 1983 के हैदराबाद मिंट के कॉइन के बारे में, जिसका वजन 6 ग्राम होता है। इन सिक्कों को स्माइल कॉइन कहते हैं। इन सिक्कों से पहले 8 ग्राम के बिग कॉइन चलते थे, जिन्हें डब्बू कॉइन कहते थे। ये सिक्के 1982 से 1991 तक कोपरनिकल में बने हैं। इन सिक्कों की शुरुआत 1982 से होती है और 1982 के ही शुरुआत में एक रेयर कॉइन मिलता है बॉम्बे मिंट द्वारा। 1982 के बॉम्बे मिंट का सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर है, वेरी वेरी रेयर कॉइन है। आप सभी को पता है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है 1 रुपये 1982 के बॉम्बे मिंट की, जिसकी कीमत फाइन कंडीशन में भी 15,000 रुपये से ज़्यादा जाती है। वहीं UNC कंडीशन में उस सिक्के की कीमत 50,000 रुपये तक जाती है। इसी तरह इन सिक्कों में एक और रेयर और कीमती सिक्का आता है, वो है 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का, जो कि काफ़ी रेयर सिक्का है। इन सिक्कों के मिंट मार्क में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉम्बे मिंट का सिक्का है या फिर नोएडा मिंट का। 1991 के नोएडा मिंट की पहचान होती है गोल्ड डॉट, ईयर के नीचे बड़ा गोल्ड डॉट दिखाई देगा। और दूसरी पहचान होती है 1991 के नोएडा मिंट के सिक्कों की एज। 1991 नोएडा मिंट के सिक्कों की एज सिक्योरिटी होती है, जबकि बाकी सभी सिक्कों की एज प्लेन होती है। और इन सिक्कों की भी कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में 12,000 रुपये तक होती है, वहीं UNC कंडीशन में 30,000 रुपये से भी ज़्यादा जाती है। अब बात करते हैं 1 रुपये के 1983 के हैदराबाद मिंट के रिपब्लिक कॉइन के बारे में। दोस्तों, आज से 1 या 2 साल पहले तक किसी को भी इस सिक्के की जानकारी नहीं थी, ना तो किसी बुक में इस सिक्के का जिक्र था, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में इस सिक्के की जानकारी थी। जब ये सिक्का किसी कॉइन कलेक्टर के सामने आया, तब पता चला कि 1983 में भी हैदराबाद मिंट का सिक्का जारी किया गया है। दोस्तों, 1983 के बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्कों की जानकारी सभी को थी, लेकिन 1983 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की जानकारी किसी को भी नहीं थी। अब तो इस सिक्के की जानकारी सभी कलेक्टर लोगों को हो गई है। दोस्तों, अभी तक 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्का देखा गया है। ये तो है नहीं कि मिंट ने एक ही सिक्का जारी किया गया है, हो सकता है 100 सिक्के जारी किए गए हों, हो सकता है 1,000 सिक्के जारी किए गए हों। अभी तक 1983 के 1 रुपये का हैदराबाद मिंट का सिक्का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्का देखा गया है। लेकिन दोस्तों, ख़ास बात है, ये सिक्का 1983 के हैदराबाद मिंट का सिक्का जो मिला है, ये सिक्का आम चलन से मिला है, वो भी फाइन कंडीशन में। अभी भी लोग के पास ये 6 ग्राम के सिक्के कॉपर निकल के बहुत ही भारी मात्रा में पड़े हैं और लोग इन सिक्कों को किलो के हिसाब से बेचते हैं। आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसे 1 रुपये के 6 ग्राम के कॉपर निकल के स्मॉल कॉइन हैं, तो इन सिक्कों में 1983 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों को तलाशने की ज़रूर ज़रूर कोशिश करें। दोस्तों, एक बार फिर कहता हूँ, आज से 1 साल पहले तक इस सिक्के की जानकारी किसी के पास नहीं थी, ना तो बुक में, ना ही किसी कॉइन कलेक्टर के पास, ना ही कॉइन डीलर के पास। सभी का ध्यान इन 1 या 2 साल के अंदर आया है। 2 साल पहले इस सिक्के के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे पुराने 1 रुपये के सिक्के हैं, तो एक बार ज़रूर चेक करें, हो सकता है ये 1 रुपये का सिक्का जो 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का है, आपके पास मिल जाए और आप मालामाल बन जाओ। इसलिए दोस्तों, अपने पुराने सिक्कों में इन सिक्कों को तलाशने की कोशिश करो, और अगर आपको ऐसा सिक्का मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर बात करें इस 1 रुपये के 1983 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत की, तो दोस्तों, ये सिक्का अभी तक एक ही सिक्का दिखाई दिया गया है, वो भी फाइन कंडीशन में। कम से कम 50,000 रुपये तक इस सिक्के की कीमत जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा
कितनी भी जा सकती है जब तक मार्केट में और कोई दूसरा सिक्का देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इन 6 ग्राम के 1 रुपये के सिक्के में और भी बहुत सारे रेयर और स्केयर कॉइन आते हैं, जैसे कि 1984 के हैदराबाद मिंट का सिक्का एक रेयर सिक्का है, और कीमत की बात करें तो इस सिक्के की कीमत 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक जाती है। और इसी प्रकार इसमें एक और सिक्का आता है 1986 के हैदराबाद मिंट का सिक्का, ये भी एक रेयर सिक्का है जिसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक जाती है। वहीं 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का भी आता है, ये भी एक रेयर सिक्का है जिसकी वर्तमान कीमत 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के मध्य चल रही है। इसी प्रकार दोस्तों, इन सिक्कों में और भी स्केयर कॉइन आते हैं। 1989 का सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का स्केयर कॉइन है, 1990 का सिक्का स्केयर कॉइन है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।